नमस्कार हमारे खाऊ दोस्तों। तो खाऊ दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने आपके साथ खाया धर्मपुर में बढ़िया सा खाना और अगले दिन सुबह किया तन्नू की दुकान में बढ़िया नाश्ता। वाह क्या ब्रेड पकौड़े और बंस समोसे। इस एपिसोड में घूमेंगे कसौली और करेंगे कुछ और मस्ती। आइए हमारे साथ। वॉक करनी पड़ेगी लगता है हमको हजम करने के लिए। यहाँ बढ़िया बढ़िया बंस समोसा, समोसे, ब्रेड पकौड़ा, गरम गरम चाय, ये था हमारा आज का बढ़िया कसौली का नाश्ता। यहाँ आओ तो ये सब ही खाओ, सर्दी में ज्यादा मजा आता। एग्जैक्टली हैवी नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ ये कमाल की बात थी ना, बिल्कुल भी हैवी नहीं लगा। यहाँ पर आके आप छोड़ दीजिए कितनी कैलोरी जा रही है अंदर, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, फुल ऑन खाओ। तो चलिए अभी हम पूरी शेयर करते हैं, आपको भी साथ में कराते हैं। फ्रेंड्स, हम और हमारे गौरव जी, हम जरा इस चढ़ाई को सामने नेगोशिएट कर रहे हैं। आगे कोई पॉइंट है जहाँ से सुना है कि व्यू बड़ा अच्छा होता है, तो वहाँ जा रहे हैं। दो जने पीछे रिटायर हो गए चढ़ाई देखकर, रुक गए वो लोग वहाँ। लेकिन हमने कहा चलो थोड़ी मेहनत की जाए। ब्यूटीफुल कसौली, और जैसे हिल स्टेशन में होता है अक्सर, चढ़ाई चढ़ो चढ़ाई उतरो, बस चलते ही जाओ। दोस्तों ये है यहाँ का सनसेट पॉइंट, लेकिन अभी सनसेट तो देखने मिलेगा नहीं क्योंकि सुबह के 11 बजे हुए हैं। क्योंकि हम आ गए यहाँ ऊपर विजिट के लिए, अच्छा व्यू है वैली का। और गौरव कैसा लगा सनसेट पॉइंट? इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग, बेस्ट समराइजिंग व्यू, आई मस्ट से दैट। मस्त व्यू है, बहुत ही सुंदर है। ये गौरव ऐसे ज़्यादा इंग्लिश बोलते हैं, ये ऐसी जॉब करते हैं जहाँ पे इंग्लिश की ज़्यादा जरूरत है, इनको आदत पड़ गई इंग्लिश बोलने की, कोई बात नहीं। सॉरी दर्शकों। तो ठीक है, ये हो गया सनसेट पॉइंट, अब चलते हैं नीचे। और भी कुछ दो तीन जगह है देखने के लिए, वहाँ जरा घूमते हैं। क्यों मंडी थक गए हो, बैठ गए हो? थक गए जी, थक गए। काहे इतना चढ़ चढ़ के, चढ़ाइयां ऊपर नीचे। समोसे भी तो खाए थे चार चार, समोसे उछल रहे हैं अभी अंदर। उछल रहे हैं, उछल तो तुम तो सीधा आगे रेस्टोरेंट के सामने ही बैठ गए हो। हैं कह रहे हैं समोसे उछल रहे हैं, इधर रेस्टोरेंट और इधर आके बैठ गए, इंतजार कर रहे हैं कि कब समय हो और कब अटैक होगा लंच में। क्यों करो, इनका मन अभी बेड ऑमलेट खाने का, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। क्यों है? सही बात, सही कह रहे हैं वैसे, खेलने के लिए भाई हूं ना, जानता हूं। कुछ गरम गरम पियो, लिक्विड जैसे पानी, गरम पानी तो क्या हजम करेगा समोसों का। शॉपिंग हो रही है यहाँ पर। गौरव जी क्या ले रहे हो? बैग देख रहे हैं जी। बैग? हाँ मम्मी ये देखो, अभी लंच के लिए टाइम है तो शॉपिंग कर रहे हैं, थोड़ा सामान देख रहे हैं दोस्तों के लिए। ये दो वॉलेट्स बड़े ही प्यारे लग रहे हैं। अच्छा, लोकल हेम्प से मेड है। क्या बात है। अरे वाह, अरे प्यारा है, मतलब ये तो गर्ल्स भी यूज कर सकती है, बॉयज भी यूज कर सकती है, यूनिसेक्स है। दोस्तों देखिए मेरी शॉपिंग, ताज़ा ताज़ा सलाद पत्ता ये खाया जाएगा रात को। तो ये है खाऊ दोस्त की शॉपिंग, खाने को आसान करना और खाने को हजम करना, रेडी फॉर द नाइट। दोस्तों लंच टाइम हो गया है और हम पहुँचे हैं कसौली कैफे, और ये मॉल रोड पर है, द पाइन मॉल, और हम आए हैं द कसौली कैफे में। इट्स फेमस फॉर चाइनीज एंड टिबेटियन फूड, और भाई लोग बैठे हैं। और रवि मंटी बनी क्या खा रहे हो? ये ऑर्डर सम सूप, कुछ मोमोज किए हैं, कुछ फ्राइड राइस, थुक्का वगैरह। अरे वाह, तो टोटल आज चाइनीज और टिबेटियन लंच होने वाला है। एग्जैक्टली मोमोज, समोसे आदम हो गए, समोसे उछल रहे हैं अभी भी, दबाने के लिए मोमोज जाएंगे हम। यस, कुछ वॉक करी नहीं है हम तो, 3-4 किलोमीटर वॉक करके आए हैं, सो माइंड इज ऑल सेट। भाई आप कुछ कमेंट इनकी टिप्पणी पर क्या कह रहे हैं कि आप चलते ही नहीं हो बिना? अरे ऐसा मत लिखो यार, भाई लोग थोड़ा शर्मा रहे हैं। दो ढाई घंटा हम लोग चल लिए हैं सब लोग, और पेट में जगह बना ली है फॉर अ नाइस लंच। तो चलिए अब लंच करते हैं, और जब लंच आएगा दिखाते हैं कि ये हमारे प्यारे प्यारे भाई क्या खा रहे हैं। ओके दोस्तों, सबसे पहले है वेज मोमोज, हाफ मंगाए हैं अपनी ही अपनी भूख के हिसाब से। साथ में दिए शेजवान चटनी, मेयो, और ये कॉम्बो ऑफ शेजवान एंड मेयो, स्टीम चिकन मोमोज, अगेन द सेम सॉसेज मेयो एंड साथ में शेजवान। तो चलिए अब शुरू करते हैं खाना। रवि व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? साथ में अच्छा अच्छा, हां एक सेकंड, शूटिंग हो रही है। ये आहा, शेजवान के साथ रिपोर्ट आ रही है। वेरी नाइस, नाइस, चलो वेरी नाइस। अब ये आया है चिकन रोटी,
ये कौन सा है? चिकन हॉट एंड सॉस सूप। चिकन हॉट एंड सॉस सूप 1 into 2। हाउ यार? कंप्लीट, गर्मा गर्म अभी लीजिए। हाँ जी, जरा टेस्ट करके बताइए गौरव, आप बताइए सूप का टेस्ट। अरे एक मोमो तो ले लिया, इसको ज्यादा दिया, हमको कम दिया। हाँ हाँ हाँ, क्या बोलते हो? वेरी नाइस, ऑथेंटिक, ग्रेट टेस्ट, वेरी नाइस। हॉट एंड सॉस सूप एट कसौली कैफे इन हिल्स, गुड सूप। अच्छा यार, फर्स्ट था सर। दोस्तों मैंने उठाया अब ये एक वेज मोमो, डिप किया जाएगा इस शेजवान चटनी के साथ, और ये वाह, वेजीज इसके अंदर भी बनी है, कैबेज, कैरेट, इतनी क्रंची है, इतनी फ्रेश है, लेयर बाहर का पतला था, जो ज़्यादा मोटा लेयर होता है मज़ा नहीं आता, और ये शेजवान सॉस जो दिया ना, मोटा है ना, दैट इज सिंपली ग्रेट, वेरी गुड। तो वेज मोमो सक्सेस। अब मैं टेस्ट करता हूँ यहाँ का चिकन मोमो, अगेन लेट्स डिप इट इन द सेम सॉस, इस बार थोड़ी मेयो भी लगाता हूँ। ये वाह, एक से बढ़कर एक, दोनों कमाल का चिकन मोमो। हमें तो मिंस चिकन डाला है, चिकन अच्छा डाला इसमें, अच्छी क्वालिटी में, वेरी वेरी गुड, प्रॉपरली स्टफ्ड एंड रियली रियली वेरी नाइस मोमोज। और इस सर्दी में पाइन मॉल रोड पर बैठ के मोमोज खाना कसौली में, क्या बोलते हो उसके बारे में? बहुत मज़ा आया। अभी तक का जो सूप और ये मोमोज आए हैं, सुपर हिट, सुपर हिट है ना दोनों, है ना गौरव? मज़ा आ गया, गर्मा गर्म सूप, बढ़िया मोमोज, बड़ी अमेजिंग चिली पेस्ट टाइम की। दिस प्लेस इज वेरी गुड, ये शेजवान जो आई है, वेरी नाइस। वाह, ये आया है वेज थुक्का फुल ऑफ फ्रेश वेजीज, हॉट एंड स्टीमिंग अगेन। वाह, और अंदर है इसके नूडल्स, अब खा के बताएंगे आपको। सूप है ना, सूप स्मोक कर रहा है यार, लग रही है फीस्ट यहाँ पर। चिकन चढ़ा है मस्त। अरे गौतम खा के बताएंगे आपको ये पापा कैसा है, पापा रसी सो रही है ये गर्मा गर्म, कैसा गौतम? वेरी गुड, वेरी गुड। वाह, पास गौतम ने कर दिया ना, तो बस ये बहुत बड़े फोड़ी है, खाने की हर चीज का टेस्ट इनको प्रॉपर पता होता है। बहुत ही बढ़िया, गर्मा गर्म फ्रेश वेजिटेबल्स, और पी के मजा आ गया, रिफ्रेशिंग। पिया कहाँ है अभी तक? अभी जा रहा है। बिना पिए कह रहे हैं। इट्स टू गुड मैन। आहा, ये डाली जा रही है शेजवान चटनी थुप्पा के अंदर। वाह, प्रिपेयर्ड हॉट थुप्पा ना है। क्या सब्जियां दिख रही है ना, जबरदस्त, फ्रेश, क्रंची, कैबेज, कैप्सिकम, कैरेट्स, ये सब स्टीमिंग हॉट चीजें ना, सूप्स वगैरह, ठंडी जगह पर आओ, हिल स्टेशन पर, थोड़ा मज़ा ही दुगना आ जाता है। ये देखो दोस्तों, आया मेरा सामने चिकन थुक्का, ये फुल पोर्शन है, पहले का जो पोर्शन थे वो हाफ ऑफ थे वेज थुक्का के, मोमोज अभी भी बचे हुए हैं, अब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तभी इसको खाया जाएगा, स्टीमिंग हॉट, लेट्स सी हाउ इट इज। तो दोस्तों अब मैं आपको थुक्पा खा के दिखाता हूँ, नूडल से भरा हुआ शेडेड चिकन पीसेस एंड लॉट्स ऑफ वेजीज, मशरूम वगैरह भी है। पहले जरा ये सूप पिया जाए। ओए ये थुक्पा, ओहो अच्छा, कमाल का थुक्का, सब कुछ इतना फ्रेश, हॉट, डिलीशियस, कोई चीज डालने की भी जरूरत नहीं पड़ रही इतनी इसमें, स्टॉक इतना अच्छा है, इट्स सो गुड, फ्रेशनेस ऑफ इंग्रेडिएंट्स वो मेन चीज है। हां बेटा, वो चिली पेस्ट इज गुड, अब वो चिली पेस्ट ले आओ। अरे ये ले, और आएगी ना, अच्छी लग रही है इसके, अरे मस्त। हां हां, ये थोड़ी जो चिली पेस्ट है या शेजवान है वो इसमें डालते हैं, get a little more spice level, apna acha spice level increase hoga aur mazaa aa rahi hai ye, too good, too good na, unbelievably good yaar, ah I just loved it. All right, Gaurav ji, please do the honors. Yes, sir. Let me try it out. Sir, kya baat hai? Nice, huh? They look very nice. Let's have a taste. Watch it. Smoky flavor. Smoky flavored. Chili garlic. Very balanced.
And the veggies are so good. They are fresh and crunchy. Veggies special. Very good. कोई भी आइटम डिसअपॉइंटिंग नहीं डिलीशियस एंड अच्छा स्वाद लवली आई एम सो सॉरी एक और वेल वो कर लंच गोइंग ऑन एंड ऑल ऑफ अस हैविंग अ गुड टाइम एट कसौली कैफे मॉल रोड इन कसौली। दोस्तों हमने खा लिया बढ़िया सा तिब्बतियन खाना आज, फुल टिबेटियन। सुबह इतना तेल वाला चीजें खा ली थी, क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा लाइट लंच खाने का सबका मन था, बस सूप्स एंड नूडल्स पे कॉन्सेंट्रेट किया गया। इस पर तेल वगैरह कम होता है। खाना इतना बढ़िया था ना, कसौली कैफे भूलिएगा मत, मॉल रोड इन कसौली। बहुत छोटी सी मॉल रोड है, लेकिन खाना और जगह बड़ी ही प्यारी है, बहुत ही प्यारी, बहुत 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 प्यारी। बस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। अब जैसे हमने आपको बताया था सुबह कि हमने कुछ दूसरे रिसोर्ट में चेक इन किया है, अब वहाँ चलेंगे। वो यहाँ से करीबन एक घंटे की दूरी पर है, रिसोर्ट जाएंगे, रिसोर्ट देखेंगे और फिर वहाँ पर क्या क्या होता है वो भी देखेंगे, क्यों? बिल्कुल। और रवि कुछ बोलना चाहते हैं दोस्तों को? हम बोलना चाहते हैं आप हमेशा बने रहिए, हमको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो खाओ दोस्तों, बढ़िया सा खाना खाने के बाद हम निकल पड़े अपने रिसोर्ट के लिए। अब उस रिसोर्ट में जाकर क्या क्या मस्ती होती है और क्या क्या खाया जाता है वो तो वहीं जाकर पता चलेगा ना। तो बस इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का, तब तक बस खाइए, पीजिए और ऐश कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।